ज्ञान सागर एजुकेशनल ग्रुप प्रेजेंट्स ई स्कूल। हेलो बच्चों, आपके हिंदी रीडिंग बुक पेज नंबर 18 में छोटे उ की मात्रा की एक्सरसाइज दी हुई है जो कि आपको होमवर्क में करनी है। ओके, तो अब मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे करना है। अभ्यास नंबर 1 पर देखिए क्या दिया है। चित्र पहचान कर उ की मात्रा द्वारा शब्द पूरा कीजिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को आपको पहचानना है और जो ये शब्द दिया है सही जगह पर आपको उ की मात्रा लगानी है जिससे कि ये शब्द पूरा हो जाए। ठीक है, ये देखिए कौन सा चित्र है, ये जुराब, और यहाँ पर क्या शब्द लिखा है, ज र, र में आ की मात्रा रा ब, जराब। जराब कैसे, कौन सा शब्द है, गलत शब्द है, तो सही शब्द कौन सा है, जुराब। तो हम ज के नीचे छोटे उ की मात्रा लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, जुराब। इसी तरह से ये देखिए कौन सा चित्र है, ये साबुन, और यहाँ पर क्या शब्द है, स, स में आ की मात्रा सा ब न, साबन। साबन सही शब्द है या गलत शब्द है, गलत शब्द है। सही शब्द कौन सा है, साबुन, सा बु न। हमने क्या किया, ब के नीचे छोटे उ की मात्रा लगाई तो कौन सा शब्द बना, साबुन। ओके, नंबर 2 पर क्या है, चित्र पहचान कर सही शब्दों से मिलाइए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के शब्द भी दिए गए हैं, आपको एक एक शब्द को पढ़ना है और उसके सही चित्र से मिलाना है। देखिए च, च में छोटे उ की मात्रा चु, ह, ह में छोटी ई की मात्रा ही, य, य में आ की मात्रा या, चुहिया। अब देखिए यहाँ पर चुहिया कहाँ है, ये है, तो हमको क्या करना है, सही शब्द को उसके चित्र से मिलाना है, चुहिया। इसी तरह से आपको ये शब्द पढ़ना है और सही चित्र से मिलाना है। ठीक है, नंबर 3 पर क्या करना है, देखिए रंगीन अक्षरों पर उ की मात्रा लगाकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में रंगीन अक्षर भी हैं, मतलब कलर वाले अक्षर भी हैं, तो आपको क्या करना है, जो ये कलर वाले अक्षर दिए हैं इनमें आपको छोटे उ की मात्रा लगाकर लिखना है। यहाँ पर क्या है, प, ळ, ळ में छोटी ई की मात्रा ळी, य, य में आ की मात्रा या, पढ़िया। अब हमें रंगीन अक्षर के नीचे क्या लगाना है, छोटे उ की मात्रा लगाना है, तो यहाँ पर रंगीन अक्षर कौन सा है, प, तो हम प के नीचे छोटे उ की मात्रा लगाएंगे, तो ये कौन सा शब्द बना, पुड़िया। इसी तरह से आपको ये शब्द यहाँ लिखना है और जो भी रंगीन अक्षर है उसके नीचे छोटे उ की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखना है। ओके, तो अब ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। हैव अ नाइस डे।